नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। 25 दिसंबर क्रिसमस यानी प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर आप सभी को क्लाउन टाइम्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव प्यार और खुशियां लेकर आता है, इसी के साथ ही नववर्ष का आगाज भी हो जाता है। बड़े दिन के इस पावन अवसर पर सुबह से ही विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं। क्रिसमस की पूर्व संध्या 24 दिसंबर को विभिन्न गिरजाघरों में अर्धरात्रि के समय प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का विशेष आयोजन किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तीनों लोकों से न्यारी धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में लाल गिरजाघर को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रंग बिरंगी झालरों से बड़े ही खूबसूरती से सजाया गया है। 25 दिसंबर बड़ा दिन के अवसर पर वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित लाल गिरजाघर परिसर में सुबह 10 बजे से विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान चर्च के सेक्रेटरी विकास दयाल अचानक मीडिया पर भड़क गए और उन्होंने प्रेम और सौहार्द के इस पावन अवसर को शर्मसार कर दिया, जो क्लाउन टाइम्स के कैमरे में कैद हो गया। सबसे पहले प्रभु यीशु के जन्मदिवस के इस पावन अवसर पर लाल गिरजाघर में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा को विस्तार से दिखाते हैं। सुबह 10 बजे चर्च के पादरी रेवरल संजय दान ने ईसाई समुदाय के बीच विशेष प्रार्थना सभा में प्रभु यीशु के प्यार, करुणा और परोपकार के संदेश को सुनाया। साथ ही मसीही समुदाय के लोगों ने सुमधुर गीतों के माध्यम से अपने परम पिता परमेश्वर को याद किया। चर्च के पादरी ने सभी के सुख समृद्धि की कामना किया और उन्हें क्रिसमस की बधाई दी। ख्रिस्त जयंती के इस पावन पर्व पर विशेष प्रार्थना सभा के पश्चात वहां उपस्थित ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा के संदेश के साथ एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्रिसमस के इस पावन पर्व पर लाल गिरजाघर में जहां एक ओर चर्च के पादरी प्रभु यीशु के संदेश में प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा का उपदेश दिया, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के चर्च के सेक्रेटरी ने अपने पद के मद में इतने महान ईश्वर के संदेश को भूल गए और वे मीडिया पर इस कदर भड़क गए कि उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि वह क्यों नाराज हो रहे हैं। पहले देखिए चर्च के सेक्रेटरी विकास दयाल और उनके एक समर्थक क्या बोल रहे हैं। बोलिए 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 किसी मिनोरिटी बोलिए फेसबुक पे लाइव जाओ, फेसबुक पे लाइव करो, फेसबुक। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि लाल गिरजाघर में आज मीडिया का विरोध किया जा रहा है और मीडिया के इस विरोध का कारण क्या पता नहीं है। ये व्यापार नहीं चलेगा। आप हमें बताइए, स्थान है, धार्मिक स्थान है, किसकी परमिशन से आप लोगों का नाम पता नोट कर रहे हैं यहाँ पर? कहीं कोई नोट नहीं हो रहा है। आपका शुभ नाम क्या बताइए? शुभ नाम सचिव साहब बताइए ना। चलिए जाइए। मजे की बात है, जब चर्च के सेक्रेटरी साहब मीडिया पर अचानक गुस्से में लाल पीले हो रहे थे तो उनके अन्य सहयोगी उन्हें यह समझा पाने में असफल रहे कि प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर प्यार और भाईचारे का आचरण होना चाहिए और संदेश भी दिया जाना चाहिए, पर ऐसा हो न सका। यह हंगामा हो ही रहा था कि अचानक चर्च के पादरी रेवरल संजय दान सपरिवार परिसर में पहुंचे। वे कुछ समझ पाते इसी बीच चर्च के सेक्रेटरी अपने पद के मद में चूर मीडिया पर लाल पीले होते रहे। फिर क्या था, पादरी जी कुछ समझ पाते कि उनकी पत्नी ने उन्हें बीच में रोका और उन्हें लगा कि अगर सेक्रेटरी साहब नाराज हो गए तो शायद अच्छा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने मीडिया को ही समाचार संकलन करने से रोक दिया।
सुने क्या कह रही है पादरी की पत्नी। आपका कवरेज हुआ कि नहीं? एक मिनट जब मेरी सारी कमेटी को प्रॉब्लम हो रही है तो मेहरबानी करके आप जा सकते हैं, आप अपनी तैयारी। चलिए, इन बेचारे को कौन बताए कि भले ही प्रभु यीशु परमपिता परमेश्वर ने इन्हें कुछ पल के लिए चर्च का सेक्रेटरी बनाया है, पर वे ईश्वर नहीं है। क्रिसमस के इस पावन पर्व पर प्रभु यीशु की शायद यही इच्छा रही कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मीडिया प्रतिनिधि अपने संसाधनों से जन जन तक परमपिता परमेश्वर के प्रेम, भाईचारा और शांति का संदेश पहुंचाएं, जैसा कि क्लाउन टाइम्स ने किया। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।